एक और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, छोटा जा क्वेश्चन है, छोटा जा उत्तर होएगा कि सर ये हो चुका है कि मैं अगे की करना चाहिए है, डिटेल विच है, हाँ बड़ा वड्डा लिखो गया है, दूजी काउंसलिंग विच कट ऑफ कट जाएगा, नैचुरली कट जाएगा, हर हालत च कट जाएगा, दूसरी काउंसलिंग विच जिहड़ा है, मन लो इस नूं समझ लेना चाहिए है, वैसे वैसे अलग तो भी तुसी पूछे हुए ने, दूसरी काउंसलिंग विच मन लो एक बच्चा जनरल कैटागरी का है, कैटागरी जरूर देखनी है, इतने मैं कैट लिख दिता है, कैट फॉर कैटागरी, ओके, दूसरा है कि तुहाडा सबजैक्ट किहड़ा है, सबजैक्ट जरूर देखना है, किहड़े वाला मेजर सबजैक्ट, मान लो उन्हां दा SST सबजैक्ट है ना, कोटा केड़ा है, मान लो पंजाब कोटा 85% कोटा है, सो एदी कंपैरिजन एदा नाल ही हो सकता है, जनरल कैटेगरी दा SST दा बच्चा है और मलेर कोटले लेना चाहते सी, मान लो उस दी जोड़ी है जिहड़े उत्थे लिखिया है कि लास्ट बच्चा इसका बच्चा लास्ट है उसकी NA ते गई है ए वाली सीट है ना, सो अगले बच्चे जिहड़े ने वो 100 तो थले वाले ही होणगे, 100 तो उपर वाला बहुत 10% प्रोबेबिलिटी है कि 100 तो उत्ते वाला वो होएगा जिसनू दूसरे कॉलेज सीट मिल गई सी, जहाँ उसने एक ही प्रेफरेंस फिल करी सी और उसने एक तो दो मार्क्स सी ते वो इतने शिफ्ट करा रहा है जो सैकेंड काउंसलिंग उसने भरया है, किन्ने परसेंट 10% चांस ने, 90% चांस ये है कि उस कैटागरी की सीट जी है वह जिनी पहली कट ऑफ सी उस तो घट जाएगी, वह घट किन्नी सकती है, अवेलेबल कैंडीडेट है 100 तो 99 भी रह सकती है, 90 भी आ सकती है, 70 भी आ सकती है, जिनी मर्जी डाउन जा, जे रिजर्व कैटागरी है तो वह होर डाउन भी जा सकती है, ठीक, सो आंसर है कि जी उस दी मेरिट 90% चांसेस कटन दे ही हन, सो सिर्फ 10% चांस है कि जिहड़े शिफ्ट करनगे वो तुहाडे तो हाई रैंक दे हो सकते हैं, जां जिन्हां ने सिर्फ एक चॉइस फिल कीती सी, थैंक यू जिन्हां नूं सीट मिल गई है, टेट दी तैयारी शुरू कर सकते हैं, अपना ख्याल रखना है और 2 साल किस तरह बिताने हैं, इसनूं प्लान करना है, इसनूं नालों नाल कुछ करते रहना है, तां असीं गोल नूं अचीव करांगे, थैंक यू।